चार्ल्स से मिलना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। अच्छा, ओके ओके। हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत जुगाड़ लगा के गए। एक्चुअली हमें, मुझे किसी ने बताया था कि चार्ल्स ने जेल में काफ़ी लोगों को बोला है कि 30 तारीख को उसकी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। अच्छा। तो बिकॉज हम उसके इतने करीबी रहे हैं, कभी मिले नहीं हैं पर उसे थॉट्स में इतने करीबी रहे हैं, तो हम, मैंने सोचा, प्रवाल को कन्विंस किया कि लेट्स गो एंड मीट हिम। जब वहाँ पहुँचे तो काठमांडू का काफ़ी बुरा हाल है वहाँ पे, पेट्रोल की और डीजल की और सलाइन वगैरह ये सब बेसिक चीज़ों की काफ़ी कमी हो रखी है। तो हम उसके बीच किसी तरह हम वहाँ पहुँचे, बहुत सारे अध्यक्षों से हमने बातें की एंड और बहुत सारे, फिर भी हम, क्योंकि संडे था, लिखत पढ़ी, फ़ोन कॉल, चिट्ठियाँ बहुत हुई। फिर हम जेलर साहब के कमरे में गए और वहाँ से उनको हमने रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली हमारे पोस्टर्स सिर्फ उस तक पहुंच पाए और पोस्टर्स में 3 उन्होंने रख लिए और उसको अपनी सेल में लगाया हुआ है और बाकी हमको साइन करके उन्होंने भेजे और उस पर बेस्ट विशेस के का कॉम्प्लीमेंट भी दिया। फिर शायद उनकी तरफ से आया या हमारी रिक्वेस्ट से लोग पसीज गए, पर उन्होंने फिर उनसे मिलने का मौका मिला तकरीबन 10-1 मिनट। 7 फीट की दूरी पर थे। हमारे एक प्रोड्यूसर विक्रम कक्कड़ तो 16 साल की लड़की की तरह कूद कूद के कह रहे थे आई लव यू चार्ल्स, आई लव यू चार्ल्स। पर हमने उनसे बात की, पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड कास्टिंग। तो लोगों ने बोला ये एक्टर है, तो पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, तो ही सेड दिस टू मी। फिर उन्होंने बोला कि तुमने हमें, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी पिक्चर रोकने की पर तुमने मुझे मात दे दी क्योंकि इसमें आमोद कांत भी इन्वॉल्व थे। तो फिर हमने उनको कहा कि ये हमने तुमसे ही सीखा है चार्ल्स।